Dear student, we have a chemistry question. ये question जो है ITJEE main 2019 में आई है. ये question क्या है देखो. An ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. बस तो प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है ना. ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम भी होता है और बार भी होता है ना. तो आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया है वो बार में दिया गया है. द वर्क डन इन किलो जूल, आपको वर्क डन निकालना है किलो जूल में. देयर आर फोर ऑप्शंस. ए -9.0, बी +8.0 सी -0.9 एंड डी -2.0. ओके, तो इस सवाल को सॉल्व करने के ये एक्चुअली केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से ली गई है ना. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स में आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो है ना, एडियाबेटिक आइसोथर्मल है ना, ये सारे प्रोसेस आपको आइसोपोरिक आइसोबारिक या डिफरेंट प्रोसेसेस और इन थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो बेसिकली बहुत ही आसान फॉर्मूला है इसके लिए. हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, शायद मालूम होगा भी. फॉर्मूला जो है बहुत आसान फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं हम लोग. तो वर्क डन के लिए एक चीज हमें बता दूँ आपको कि कॉमनली जो वर्क डन है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क डन है ना, कॉमनली जो हम लोग वर्क डन फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वर्क डन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. सिंपल है ना. तो याद रखना हम जो वर्क डन पढ़ते हैं फिजिक्स में, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दे दूँ आपको, क्योंकि वर्क की बात हो रही है तो वर्क के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए है ना. तो फिजिक्स में जब हम वर्क डन पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ाई जाती है कि वर्क इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमें पढ़ाई जाती है ना. ये फोर्स है, ये पढ़ाई जाती है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो कॉस थीटा याद करते हैं. तो ये फिजिक्स में हमें पढ़ाई जाती है. थर्मोडायनेमिक्स में भी हमें वर्क डन पढ़ना है लेकिन थोड़े अलग तरीके से पढ़ना है. इन थर्मोडायनेमिक्स जो है वर्क डन को, जो वर्क डन है उसको हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मान के चलते हैं. ये फोर्स जो है दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी फैक्टर इन थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में फोर्स का स्थान प्रेशर ले लेता है क्योंकि जब गैस की बात आती है तो गैस पे आप फोर्स क्या लगाओगे है ना. फोर्स किस पे लगाते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, किसी मटेरियल पे लगाते हो है ना, सॉलिड मटेरियल हो या आप फोर्स गैस पे नहीं लगा सकते हो. अगर गैस पे फोर्स लगाना है तो उसका वो रूप कौन है, या प्रेशर के रूप में आप फोर्स लगाते हो है ना. आप गैस को कंप्रेस करते हो गैस को है ना, कि प्रेशर के थ्रू ही आप गैस पर प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो. तो फोर्स का स्थान प्रेशर लेता है. दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी फैक्टर. माइंड इट, फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी फैक्टर, मतलब प्रेशर जो है वो फोर्स का स्थान ले लेता है. और डिस्प्लेसमेंट, गैस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है. गैस जो है वो एक्सपेंड करने वाली चीज है ना. गैस कोई लीनियर उसका मोशन नहीं हो सकता है. ये सॉलिड में हो सकता है. कार को आप 10 मीटर ठेल सकते हैं, पुश कर सकते हो, लेकिन गैस को आप नहीं कर सकते हो. गैस के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का स्थान वॉल्यूम के लिए लेते हैं. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर है ना, इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर. तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज यूजुअली प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. दिस इज अ सिंपल बेसिक वे टू एक्सप्लेन वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स. आई है ना टॉकिंग अबाउट वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स. माइंड ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो आपको एक फॉर्मूला है आपको याद होनी चाहिए. टेक ए स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू क्लियर द बोर्ड. तो
थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्डर का जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, हाँ आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह की प्रोसेस होती है, वर्डर कैन बी परफॉर्म इन टू डिफरेंट वेज, एक बहुत धीमे से स्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस, जो बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल वर्डर, और जो बहुत फास्ट होता है स्पीडी होता है ना उसको कहते हैं इरिवर्सिबल वर्डर। दोनों हालात में जो वर्डन की बेसिक जो फॉर्मूला है वो है वर्डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो एग्जर्ट कर रहे हो इनटू डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम है ना, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी और माइनस इसका साइन कन्वेंशन, याद रखना माइनस एक फॉर्मूला का पार्ट है और ये माइनस अपना एक साइन कन्वेंशन इसका है वर्डन का, है ना। साइन कन्वेंशन वर्डन का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट देने बहुत जरूरी है। अगर गैस एक सिस्टम है, गैस पे अगर आप वर्क करते हो, अगर गैस को कंप्रेस करते हो, बाहर से पिस्टन दबाते हो गैस कंप्रेस हो जाता है, मतलब यू आर वर्किंग ऑन द गैस, गैस पे जब आप वर्क करते हो सिस्टम पे जब वर्क करते हो, ओके तो वर्डन पॉजिटिव होगा, वर्डन पॉजिटिव होगा। और अगर गैस वर्क करता है मतलब सिस्टम अगर वर्क करता है हाँ ना, मतलब एक्सपेंशन होगा, गैस जो है पिस्टन को बाहर की ओर ठेलेगा, मतलब गैस पुश कर रहा है पिस्टन को, गैस वर्क कर रहा है तो वर्डन विल बी नेगेटिव। माइंडिंग अगर सिस्टम पे वर्क होती है तो वर्डन इज पॉजिटिव और अगर सिस्टम वर्क करता है तो वर्क इज निगेटिव। तो ये वर्क पॉजिटिव निगेटिव का जो जो लॉ है नियम है साइन कन्वेंशन जो भी कहिए वो इस फॉर्मूला में ये छिपा है, ये माइनस इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर माइनस इस्तेमाल करेंगे तो आपका वर्ड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या निगेटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ओके तो दिस का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला वर्डन की कैलकुलेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ द पॉइंट एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, गैस एक्सपेंड कर रही है मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 1 लीटर एंड V2 फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, डेल्टा V क्या हो जाता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना। फाइनल वॉल्यूम जब भी आप डिफरेंस निकालते हो चेंज निकालते हो क्या करना, फाइनल से इनिशियल माइनस करोगे तो V2 माइनस V1 कितना होता है 10 माइनस 1 मतलब 9 लीटर। तो 9 लीटर डेल्टा V हो गया मेरा। P एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, अगेंस्ट एन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 bar, एक्सटर्नल प्रेशर जो है 1 bar दिया हुआ है तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं 1 bar प्रेशर की जगह पे और डेल्टा V की जगह पर 9 लीटर। तो कितना आया मेरा -9 bar लीटर, दिस इज द वर्डन। बार लीटर भी वर्डन का एक यूनिट है लेकिन सवाल ये है कि आपको किलो जूल में देना है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में बेसिक जो है क्वेश्चन बहुत आसान है, आपकी टेस्ट का यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी टेस्ट ली जा रही है कि आप ये जो यूनिट है इस यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं जूल या किलो जूल में। ओके तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 bar liter 1 bar liter इज इक्वल टू 100 joule होता है, याद रखना है आपको 1 bar liter इज इक्वल टू 100 joule होता है। तो उस हिसाब से आप ये क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू -9 into 100 joule, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये -900 joule, चूंकि किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा -900 joule/1000, अगर हमने डिवाइड कर दिया ये जूल अब नहीं रहेगा ये बन जाएगा किलो जूल, 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये हो गया -0.9 kilo joule। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज -0.9 kilo joule। ओके सो ये आपने ये सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चंस, होप यू मस्ट अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे,
दूसरे साइड यूनिट कन्वर्सन से भी कर सकते थे, लेट अस सी। ओके हमारा तो सबसे पहले हम एक काम करते कि देखो इस क्वेश्चन को और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके सबसे पहले बात एक चीज समझ लो, कुछ मैं यूनिट्स आपको दे रहा हूँ जो बहुत ही काम देगा आपको, है ना। ये जो कन्वर्सन की बात आ गई तो कन्वर्सन आपको जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए एग्जाम में, हो सकता है कुछ और बदल के आए, तो आपको कन्वर्सन आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि वन बार लीटर इजिकल टू क्या मैंने लिखा 100 जूल, ये कन्वर्सन आपको याद रखनी होगी। दूसरी कन्वर्सन क्या मैंने बता देता हूँ आपको कि अगर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर में अगर होता, हो सकता है कि कभी कभी सवाल आपको ये जो प्रेशर है वो एटीएम में ले, है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर भी तो प्रेशर का यूनिट है, तो अगर एटीएम में आए तो 1 एटीएम लीटर को भी तो आपको कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में कभी कभी, तो दिस इज इक्वल टू 101.325। ओके 101.325 जूल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एटीएम होता तो हमें 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसके अलावा कुछ और कन्वर्सन में बता देता हूं जो आपको याद रखनी है, हाँ, वन बार जो प्रेशर का यूनिट है उसको एटीएम में कन्वर्ट अगर हमें करना है एटमोस्फेरिक प्रेशर में तो 0.987 होता है, 0.987 एटीएम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आपको याद रखनी है। और अगर आपको वन बार को ये जो बार है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो याद रखना वन बार को न्यूटन मीटर पर कन्वर्ट करते हैं। और 1 एटीएम अगर हमें दिया गया है 1 एटीएम और उसको डायरेक्ट हमको न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है प्रेशर को, है ना, तो वी विल राइट 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये प्रेशर को हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इट क्लियर। और एक चीज और से साथ साथ में ऐड कर दूं यहां पे जो शायद मालूम होगा, 1 लीटर को अगर हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 0.001 मीटर क्यूब होता है, और अगर इसी को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो दिस इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो बेसिक कन्वर्सन मैंने आपको दिया है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, ये बहुत ही हेल्प करेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये बहुत ही मददगार है। ओके अब हम देखो इसी कन्वर्सन के मदद से हम इसी फॉरवर्ड क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, हमको जो कि जूल में निकालना था किलो जूल में निकालना था, तो हम क्या करते कि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते और बार को, ये जो बार है प्रेशर, हम प्रेशर को हम कन्वर्ट कर देते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो यहां से भी हम जूल निकाल सकते थे। देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट फर्स्ट एंड देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेल्टा भी निकालें, तो मैं डेल्टा भी निकाल आया, देखो डेल्टा भी इजिकल टू 10 लीटर माइनस 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 9 लीटर, है ना, 10 लीटर इजिकल टू 9 लीटर। ओके 10 लीटर इजिकल टू 9 लीटर, राइट। अब हम देखो इसे ध्यान से देखो, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखना, 9 लीटर है, अब लीटर को कन्वर्ट कर देते हैं हम मीटर क्यूब में। ओके तो अभी भी मैंने बताया कि 1 लीटर जो है वो 0.001 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 9 × 0.001 मीटर क्यूब मतलब ये कितना हो जाएगा 0.009 मीटर क्यूब, है ना। उसके बाद आप देखो हम निकाले जा रहे हैं प्रेशर, तो पी एक्सटर्नल कितना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर में दिया हुआ है 1 bar, बार को भी हम एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि 1 bar इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर
एक्सटर्नल प्रेशर SI यूनिट में डाल दिया, वॉल्यूम भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो वर्कर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं माइनस PXT वही फॉर्मूला इनटू डेल्टा V। अब माइनस PXT कितना है मेरा 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितनी है 0.009 मीटर क्यूब। तो ये क्या बन गया माइनस, देखो 10^5 है तो 5 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2, 3, 4 900 हो जाएगा। 900 ये चूंकि SI यूनिट में वर्क आ रहा है तो ये आ जाएगा जूल। अब किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा किलो जूल और ये हो जाएगा 0.0, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 0.9 किलो जूल माइनस माइनस वी मस्ट कॉपी 0.9 किलो जूल। सो आपने देखा कि यह वही सवाल मैंने दूसरे ढंग से सॉल्व किया, यूनिट कन्वर्ट करते हुए किया। तो ये दो रास्ता है, अगर आपको यूनिट पे यूनिट कन्वर्शन पे जरूर कमांड होनी चाहिए, है ना। किस तरीके से अलग क्वेश्चंस भी आएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटीज ऑफ यूनिट्स में अगर आपको सवाल होता है, ATM ना दे, बार ना दे, ATM लिख दे या कुछ भी लिख दे, तो आप उसको यूनिट कन्वर्ट करके प्रॉपरली इस बेसिक फॉर्मूला तो वही है लेकिन यहाँ सब यूनिट का खेल है, यूनिट कन्वर्शन का ही खेल है ना। So, hope you must have understood this topic. Okay, thank you.